हाल ही में 11 अगस्त को सोनिया गांधी को दूसरी बार कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। सोनिया के अंतरिम अध्यक्ष बनते ही पार्टी के उन नेताओं में नई जान आ गई जो राहुल गांधी के राज में हाशिए पर चले गए थे। मगर सोनिया के हाथों में कमान लौटते ही पार्टी के हर फैसले में उनकी पुरानी टीम की छाप और असर साफ साफ देखी जा सकती है। तो आइए जानते हैं उन 6 नेताओं के बारे में जिनका पार्टी में फिर से बोलबाला हो गया है। नंबर 1, अहमद पटेल। सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार और पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं। सोनिया गांधी के पहले कार्यकाल में अहमद पटेल की पार्टी में तूती बोलती थी। सोनिया गांधी के फैसले को अमली जामा पहनाना अहमद पटेल की ही जिम्मेदारी है। नंबर 2, कमलनाथ। कमलनाथ को भी पार्टी में गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। राजीव गांधी से कमल की दोस्ती जग जाहिर है। शायद यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने के बजाय सोनिया गांधी ने कमलनाथ को चुना। कमलनाथ मध्य प्रदेश में अपने 2 बड़े विरोधियों ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का निष्प्रभावी करने में कामयाब रहे। नंबर 3, अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का पुराना विश्वास पात्र माना जाता है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी गहलोत की राजनीतिक सूझबूझ पर बहुत भरोसा करते हैं। नंबर 4, अमरिंदर सिंह। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रदेश में कांग्रेस को चलाने की पूरी आजादी है। वो पार्टी आला कमान के दबाव में नहीं आते हैं। राहुल राज में भी अपने पुराने तेवरों के साथ काम करते रहे। खबर तो यहाँ तक है कि उन्होंने सिद्धू को लेकर राहुल गांधी की सलाह को भी दरकिनार कर दिया। नंबर 5, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरह से किनारे कर दिया गया। राहुल ने युवा चेहरे पर दाव खेलते हुए अशोक तंवर को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन सोनिया गांधी के लौटते ही उन्होंने जबरदस्त वापसी की। नतीजा ये हुआ कि तंवर को न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा बल्कि उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। और नंबर 6, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद को पार्टी का मुख्य वार्ताकार माना जाता है। पार्टी के नाराज लोगों को मनाने का काम आजाद को ही दिया जाता है। उन्होंने सोनिया गांधी और अहमद पटेल का भरोसा जीता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।